ओम श्री गुरुवे नमः। माताओं एवं देवियों, आप सबके जीवनों पर योगी एक बहुत ही सुंदर छोटा उपाय लेकर के हम आए हैं, और यह उपाय विशेष रूप से उन कन्याओं के लिए है जिन कन्याओं का विवाह देर से होता है या विवाह कुंडली में उनके ज्योतिर्विदों के द्वारा, ज्योतिषियों के द्वारा ये सुनने को मिलता है कि विवाह का योग ही नहीं है। ऐसी कन्याओं के लिए, ऐसी लड़कियों के लिए कोई चिंता का विषय नहीं है, वो बिल्कुल भी चिंतित ना हो। उनकी चिंता का निवारण करने के लिए हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबके सम्मुख आए हैं। आज हम आपको बहुत ही सुंदर उपाय बताने वाले हैं, बहुत ही सटीक उपाय जो लाभकारी होगा, आपके जीवन को दाम्पत्य सुख प्रदान करेगा। तो हम आप लोगों को ये बताना चाहेंगे, उन कन्याओं के लिए है, उन लड़कियों के लिए है, उन माताओं के लिए जिनकी लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही है, और वो कन्याएं जो विवाह से वंचित है, दाम्पत्य सुख या पति का सुख नहीं मिल रहा है, पति का योग नहीं बन रहा है, तो उन लोगों के लिए हम लेकर के आए हैं बहुत ही छोटा उपाय। वो कन्याएं, वो लड़कियां एक छोटा सा उपाय कर लें। वो ज्यादातर सोमवार और शुक्रवार के दिन श्वेत वस्त्र धारण करें, और गुरुवार के दिन विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की प्रतिमा लाएं अपने घर पे। गुरुवार के दिन उनकी विधिवत पूजा करें। सर्वप्रथम पूजन की विधि हम आपको बताना चाहेंगे, और उसी पूजन विधि से आप उनकी पूजा कीजिए। जब आप पूजन करेंगे तो आपको 11 गुरुवार पूजन करना होगा लक्ष्मी जी का और विष्णु भगवान की प्रतिमा का। पीतल की प्रतिमा लाइए, उनका पूजन कीजिए। सर्वप्रथम उनको दूध चढ़ाइए, दही चढ़ाइए, और शक्कर चढ़ाइए, शहद चढ़ाइए और घी चढ़ाइए। उसके पश्चात गंगा जल से स्नान करा के हल्दी चढ़ाए, रोली चढ़ाए, अक्षत पुष्प सिंदूर चढ़ा करके अबीर गुलाल उपलब्ध हो उसको चढ़ा दें, सुगंधित द्रव्य चढ़ा दें, और धूपबत्ती अगरबत्ती जो कुछ भी आपके पास उपलब्ध हो दिखा करके दीपक जला दें, और उनको नैवेद्य अर्पण करें, और हाथ जोड़ के अपनी कामनाओं को भगवान के सामने रख दें, उनको साष्टांग प्रणाम करें। यह क्रिया आप जब 11 गुरुवार करेंगे, लक्ष्मी जी की पूजा और विष्णु भगवान की पूजा 11 गुरुवार करने के पश्चात, निश्चित रूप से शीघ्र ही आपके विवाह का योग बन जाएगा और आपके अनुरूप पति भी आपको प्राप्त होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न उठ रहा है या कोई संदेह हो रहा है तो आप में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्य दुःख भाग् भवेत्।